ओम शन शनेश्वराय नमः। नमस्कार दर्शकों, एहसास टीवी के इस विशेष कार्यक्रम आओ चलें श्री शनि धाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। श्री शनि देव जो कि भगवान शिव के शिष्य माने जाते हैं, श्री शनि देव भगवान विष्णु के भक्त हैं। श्री शनि देव जिनके माता छाया हैं और पिता सूर्यदेव हैं, आप लोग भी भगवान श्री शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि श्री शनि देव के दर्शन मात्र से ही हमारे दुख, हमारे कष्ट, इन सभी का शमन होता है। आपको जीवन में सकारात्मक राह चाहिए, आपको जीवन में वो ऊंचाइयां चाहिए जिसकी आप कामना करते हैं, तो श्री शनि देव को मना लीजिए, आपके जीवन सफल हो जाएगा। आपके जीवन से सभी कष्ट, सभी दुख, व्याधियां, इनका शमन होगा। अपने जीवन में श्री शनि देव की पूजा अर्चन, उनके दर्शन को जरूर शामिल करें। आपके जीवन में सकारात्मकता भर जाएगी। आपके जीवन में श्री शनि देव सुख समृद्धि से आपको संपन्न कर देंगे। धन की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो देवादिदेव सर्व कल्याणकारी श्री शनि देव के दर्शन करना आवश्यक है। दर्शकों, श्री शनिदेव कर्म फलदाता हैं। श्री शनिदेव आपके भाग्य का निर्माण आपके कर्मों के अनुसार करते हैं। जो भी मनुष्य धर्म का आचरण करता है, जो भी मनुष्य शुद्ध सात्विक होता है, जो भी मनुष्य बुजुर्गों की सहायता करता है, गरीबों की सहायता करता है, श्री शनिदेव की कृपा उन पर असीम बनी रहती है। श्री शनिदेव के दर्शन आपको करवाते हैं, लेकर चलते हैं असौला फतेहपुर बेरी में श्री शनिदेव के दर्शन कराने के लिए। शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। शनैश्चराय नमः। ॐ शं 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 शनैश्चराय नमः। दर्शकों, श्री शनिदेव का पावन स्थान है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम।
असोला फतेहपुर बेरी में, जहाँ पर मनुष्य के दर्शन मात्र से ही, जहाँ पर आने के मात्र से ही मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा ही बदल जाती है। ये पावन तीर्थ स्थल जहाँ पर श्री शनिदेव प्रतिष्ठित रूप में हैं, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। श्री शनिदेव के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। मंत्रों का उच्चारण होता है यहाँ पर, मनुष्य यहाँ पर भक्त आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, श्री शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और श्री शनिदेव के आगे नतमस्तक होकर अपने जीवन से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। मंत्रों का उच्चारण और यहाँ पर श्री शनिदेव के आगे दीप जलाना, यही मात्र है सिर्फ शनिदेव को मनाने का एक जरिया, लेकिन कर्म आपके अच्छे होने चाहिए ताकि श्री शनिदेव आप पर कृपा बरसाते रहें। हरि ओम तत्सत् जय शनिदेवा, 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 दर्शकों श्री शनिदेव का पावन स्थान है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी, जहाँ पर आने मात्र से ही मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। मंत्रों का उच्चारण होता है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन करने से दुखों का नाश होता है। श्री शनिदेव के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, श्री शनिदेव के आगे नतमस्तक होकर अपने जीवन से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर आने वाला हर भक्त, हर मनुष्य यही कामना लेकर आता है कि श्री शनिदेव उन पर असीम कृपा बनाए रखें, उनके कष्टों को दूर करें। लोगों का अनुभव कैसा है, यहाँ पर आने के बाद क्या अनुभव होता है, जानते हैं। बहुत अच्छा है, और जो थैंक यू कहने आते हैं यहाँ पर शनिदेव से कि जो देता है वो अच्छा ही दे रहा है और ऐसे ही देता रहे। आके काफ़ी अच्छा लगा देख के, जैसा सोचा था उससे बिल्कुल डिफरेंट और काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी फील अच्छा हुआ यहाँ के, मन एकदम अच्छा हो गया। हम तो, हमारे तो पहले हस्बैंड की जॉब छूट गई थी, हमें बहुत दिक्कत उठाई, लेकिन हमने पाँच दिन की मन्नत मांगी थी तो मेरी चार ही दिन हुए, मेरी इनकी हस्बैंड की जॉब लग गई। शनिदेव सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, सबसे बड़े हैं, वो किस व्यक्ति को क्या दंड देना है वो जस्टिस करते हैं, और मतलब यहाँ पे बहुत आते मन प्रसन्न हो जाता है और मन एकदम हल्का हो जाता है। कृपा हुई है कि हम बहुत ही बीमार रहते थे, यहाँ आने से हमारे सारे कष्ट बाबा की तरफ से, शनि महाराज की, दत्ताती महाराज की कृपा से अब हमारे ठीक है, और घर में भी आर्थिक स्थिति हमारी सुधर गई है। प्रभु सबकी सुधारेगा, सब जो भी यहाँ आ रहे हैं श्रद्धालु सबके ऊपर बाबा शनिदेव महाराज दत्ताती महाराज की कृपा होगी। यहाँ श्रद्धा विश्वास से जो भी आया है उसकी मनोकामना पूरी हुई है। नमो नारायण।
बहुत अच्छा अनुभूति होता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ के, एक रिलैक्स मिलता है। शनिदेव मंदिर आइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा यहाँ कर। कहा जाता है श्री शनिदेव न्यायप्रिय देवता हैं। श्री शनिदेव दुखदायक नहीं सुखदायक हैं। अगर आपको श्री शनिदेव की अनुकंपा प्राप्त करनी हो तो अपने जीवन को सुधार लीजिए, अर्थात अपने कर्म को सुधार लीजिए। आपके कर्म जैसे होंगे वैसा ही आपके भाग्य का निर्माण होगा, वैसा ही श्री शनिदेव फल आपको देने वाले हैं। तो श्री शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी हो तो अपने कर्मों को सुधार कीजिए और श्री शनिदेव आप पर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। बहुत से प्रयत्न, बहुत से उपाय जो हैं हम मनुष्य अपने जीवन में करते हैं, भक्त श्री शनिदेव को मनाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसका एक जरिया ये भी है कि शनिवार के दिन, शनि जयंती के दिन या शनि प्रदोष के दिन मनुष्य जाते हैं श्री शनिदेव के आगे नतमस्तक होते हैं, दीप जलाते हैं, तेलाभिषेक करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन किया गया तेलाभिषेक सबसे ज्यादा फलदायी होता है। प्राचीन मान्यता है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को उनको तेल चढ़ाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उसे साढ़े साती और ढैया में भी शनि की कृपा मिलती है। शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल चढ़ाता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन का अभाव खत्म हो जाता है। अगर आप धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, आपका काम नहीं चल रहा, उद्योग धंधा मंदा पड़ गया है और आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, फिर भी परीक्षा में उस तरह का परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है, शादी के वर्षों के बाद भी संतान सुख से वंचित हैं आप, रिश्तेदारों से आपका मनमुटाव चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपके अपने ही अब बेगाने होते जा रहे हैं, तो आइए श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम और पाइए संपूर्ण समस्याओं का समाधान। प्रत्येक शनिवार को श्री शनिधाम में आयोजित होने वाला पूजन, अर्चन, हवन एवं अनुष्ठान जहाँ पर मंत्रों का जाप होता है, मंत्र जापों से अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित एवं चैतन्य युक्त होता है और यहाँ पर आने से आपके दुखों का नाश होता है। यह अनुष्ठान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, आपदाओं से मुक्ति दिलाने वाला होता है। भक्तगणों बिना समय गवाए श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम जरूर आए, दाती जी महाराज के सानिध्य में श्री शनिदेव की पूजा, उपासना, आरती एवं तेलाभिषेक करें, श्री शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ पर सुरक्षा एवं शुभता प्राप्त करें। श्री शनिदेव के आशीर्वाद को प्राप्त कर अपने जीवन को सरल, सुगम एवं सफल बनाएं। नील लोहिताय कवच, एक ऐसा कवच जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक करता है। कहते हैं कि हमारे आसपास दो तरह के वातावरण होते हैं, जो कि एक सकारात्मक होता है जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं और एक होता है नकारात्मक ऊर्जा यानी कि जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहती है तो आपके जीवन में कष्ट, व्याधियां, समस्याओं से आप घिर जाते हैं और ये कवच आपके जीवन में बहुत सी समस्याओं को दूर करने के लिए सार्थक साबित हुआ है। और नील लोहिताय कवच पहनने से आपके जीवन में, आपके आसपास जब ऊर्जा पॉजिटिव होती है, आपको जब सकारात्मक ऊर्जा का ये एहसास होता है, महसूस होती है, तो आपके जीवन को सकारात्मक राह भी मिलने लग जाती है। कहते हैं कि हमारे जीवन में जब एक दिशा हमें दिख जाए तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ अब सफल होने वाला है, बिल्कुल उसी तरह से कार्यरत है नील लोहिताय कवच। जब इसे आप धारण करते हैं तो आपको लगता है, महसूस होता है कि अब आपके जीवन से दुख दूर होने वाला है, अब दुख नहीं आएगा, अब सिर्फ और सिर्फ सुख की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। जब भी आप इसे पहनते हैं तो आपको महसूस होता है कि शनि शनिदेव की कृपा तो आपको मिलेगी, श्री दाती जी महाराज की कृपा भी इसमें समाहित है और यही कारण है कि हम कहते हैं कि नील लोहिताय कवच आप लोग धारण करें और इसके सकारात्मक लाभ आप जरूर उठाकर देखें। क्या आपको आजीविका में सफलता नहीं मिल रही है? अच्छी शिक्षा के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है? रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है? घर में बरकत और व्यापार में बचत नहीं हो पा रही है? वो शुभ अवसर जब आपकी सभी समस्याओं का होगा समाधान श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में आपको प्राप्त होगा सर्व कल्याणकारी
सर्व मंगलकारी सर्व सिद्धि प्रद नील लोहिताय कवच। परमहंस दाती जी महाराज ने वर्षों की तपस्या और गहन साधना के उपरांत इस अलौकिक एवं कल्याणकारी कवच को सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित किया है। 19 हाथ लंबा नीले रंग के इस कवच को धारण करने से श्री शनिदेव होंगे प्रसन्न। आप पर श्री शनिदेव की बरसेगी कृपा। श्री शनिदेव की दया से दूर होंगे दुख। श्री शनिदेव की करुणा से मिटेंगे कष्ट। शनि भक्तों, अगर आप इस कवच को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल और समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर संपर्क करें 0909-5740-8506-9091-6902-003-0112-6603-0112-65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 03-0
की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में इस प्रतिमा को भक्तगण या फिर आने वाले हर मनुष्य अपने आराध्य को शिखर मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। और कहा जाता है कि श्री शनिदेव की ये प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित है। 21 फीट लंबी ये प्रतिमा श्री शनिदेव की, जिनको आराध्य देव मानने वाले मनुष्य नतमस्तक होने के लिए, दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। श्री शनिदेव की ये प्रतिमा जो कि प्राण प्रतिष्ठित है, करोड़ों मंत्रों के द्वारा इस मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया है। श्री शनिदेव के दर्शन करने के लिए न सिर्फ देश के ही बल्कि विदेशों से भी भक्तगण आते हैं। श्री शनिदेव के आगे अपना मस्तक झुकाकर सिर्फ एक ही कामना करते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके जीवन में, उनके परिवार में जो कष्ट, जो संकट आया हुआ है, श्री शनिदेव उसको दूर करें। उनके घर में ऐसा लगता है कि लोग रोग से ग्रसित हैं, उनके घर में कोई भी कष्ट है उसको दूर करने की कामना श्री शनिदेव के आगे करते हैं। यही चमत्कार है श्री शनिदेव का, यही चमत्कार है इस प्रतिमा, इस मूर्ति का, जिसको आराध्य मानते हुए मनुष्य यहाँ पर पहुँचते हैं, दूर दूर से पहुँचते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और सिर्फ यही कामना करते हैं कि श्री शनिदेव उन पर अपनी कृपा बरसाते रहें। पूजन अर्चन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, परिक्रमा करते हैं, तिलाभिषेक करते हैं, दिया जलाते हैं यानी कि दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और श्री शनिदेव के आगे सिर्फ नमस्कार करते हुए यही कामना करते हैं कि आपके दर्शन यूं ही हमें प्राप्त होते रहें। श्री शनिदेव की प्रतिमा अद्भुत है और अलौकिक। इस प्रतिमा को देखने के लिए, जिसको देखने मात्र से ही ऐसा महसूस होता है कि अब जीवन से दुख कष्ट दूर होने वाले हैं। तो श्री शनिदेव की ये प्रतिमा देखने मात्र से यह महसूस होता है कि यहाँ पर खुद साक्षात रूप में श्री शनिदेव यहाँ पर आए हैं, दर्शन दे रहे हैं और सिर्फ यही कह रहे हैं कि अब मेरी शरण में तुम लोग आए हो तो तुम्हारे सभी दुख मैं दूर करूँगा। जय शनिदेवा, हरि ओम तत् सत् जय शनिदेवा, हरि ओम तत् सत् जय शनिदेवा, हरि ओम तत् सत् जय शनिदेवा, हरि ओम तत् सत्। श्री शनिदेव का रूप आकर्षक है, कल्याणकारी है, तभी तो उन्हें सर्व कल्याणकारी देवता कहा जाता है। श्री शनिदेव का तेजोमय कांति शरीर नीले गहरे रंग का है। श्री शनिदेव ने स्वर्ण का मुकुट धारण किए हुए हैं, नीलम धारण किए हुए हैं, रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। आप नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, मानो सभी गुणों से और भावों को आपने धारण किया हुआ है। आपकी तीन भुजाओं में धनुष है, बाण है और त्रिशूल है, जबकि आपकी एक भुजा वरमुद्रा से सुशोभित है। श्री शनिदेव समस्त अरिष्टों और अनिष्टों के नाश के लिए धनुष धारण करते हैं। 72,000 नाड़ियों, प्राणायाम आदि स्वास्थ्य रहस्यों के ज्ञाता, धनुष अर्थात रीढ़ में स्थित सूक्ष्म केंद्रों के दिव्य रहस्यों के जानकार, आत्मा के ज्ञाता, आत्मवान हो जाने की शिक्षा प्रदान करते हैं। बाण अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा
अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर सजग रहना। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के बिना अपना उद्देश्य नहीं पाया जा सकता है। मन, बुद्धि और एकाग्रता के साथ अपने इष्ट सिद्धि प्राप्त करना ही बाण धारण करना होता है। त्रिशूल, श्री शनिदेव त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के धारक, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों के संचालक, दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों के विनाशक हैं। अरिष्ट, अनिष्ट और धूतों की रक्षा से शनिदेव अपने त्रिशूल से करते हैं। और वरमुद्रा की बात करें तो चरित्रवान, तपस्वी, मातृ पितृ भक्ति, सत्यवादी, अनुसंधान, अध्ययन प्रिय और न्यायप्रिय व्यक्ति पर श्री शनिदेव की हमेशा वर मुद्रा रहती है। गरीबों, लाचारों, वृद्धों और अनाथ अपंग व्यक्तियों की सहायता करने वाले हर व्यक्ति पर शनिदेव कृपा करते हैं। श्री शनिदेव गुरु भी हैं, शिक्षक भी हैं। श्री शनिदेव अच्छे और शुभ कार्य करने वाले जातकों के भाग्य का निर्माण भी करते हैं। श्री शनिदेव गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ धर्म पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री शनिदेव मनुष्यों को निज स्वरूप का ज्ञान कराते हैं और अशुभ कर्मों की बेड़ियों को विनष्ट करते हैं। श्री शनिदेव सामाजिक एकजुटता के अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक, पारंपरिक, आध्यात्मिक, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सफलता का वरदान भी देते हैं। अतः शनि भक्त किसी कारणवश शनि जयंती और शनि अमावस्या के पावन पर्व पर श्री शनि धाम नहीं आ सके तो प्रत्येक शनिवार श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनि धाम जरूर आएं। परमहंस दातीजी महाराज के सानिध्य में श्री शनिदेव का पूजन अर्चन जरूर करें। श्री शनिदेव आपके सभी कष्ट, दुख, व्याधियां उसका शमन करेंगे और आपको दर्शन अवश्य देते रहेंगे। श्री शनिधाम में स्थापित प्राकृतिक प्रस्तर शिला सर्व कष्ट निवारणी है, सर्व पीड़ा हारणी है, सर्व कल्याणकारी है, सर्व सिद्धिप्रद है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आने वाले हर भक्त इस शिला की आर परिक्रमा करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। श्री शनिधाम में आने वाले हर भक्त इस प्रस्तर शिला जो कि सर्व कष्ट निवारणी, सर्व पीड़ा हारणी है, शनि भक्त यहाँ पर आकर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। श्री शनिदेव से संपूर्ण मनोरथों की उनकी मनोरथ पूरा हो सके इसकी कामना करते हैं। श्री शनिदेव के आगे दीपक जलाते हैं और दीपक प्रज्वलित कर श्री शनिदेव से संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति की कामना करते हैं। श्री शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी हो तो यहाँ पर आप लोग भी आकर आठ परिक्रमा इस शिला की अवश्य करें। श्री शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। कहते शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने का अलग ही महत्व होता है और इसी में अगर कोई विशेष तिथि हो तो उसका योग, उसका महत्व बढ़ जाता है। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, शनि प्रदोष हो या शनि अमावस्या हो, इस दिन पीपल वृक्ष के आगे दीपक जलाने से दुख दूर होते हैं और साथ साथ कहा जाता है कि पीपल देव की, पीपल वृक्ष की पूजा करने से भी आपके जो कष्ट हैं, जो दुख हैं वो दूर होते हैं। शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ साथ आपके कुंडली में अगर कोई दोष लगा होता है तो वो भी दूर हो जाता है। ये भी कहा जाता है पितृ दोष को अगर दूर करना है तो पीपल वृक्ष के आगे दीपक प्रज्वलित करिए और इससे आपका जो दोष है वो दूर होता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की पूजा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और शनि के कुप्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। लोगों के इस विश्वास का कारण यह है कि शास्त्रों में इसे देव वृक्ष कहा जाता है। व्रतराज नामक ग्रंथ में बताया गया है कि प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाकर 3 बार परिक्रमा करने से आर्थिक समस्या एवं भाग्य में आने वाली बाधा दूर हो जाती है। प्रतिदिन पीपल की पूजा और दर्शन करने से आयु और समृद्धि बढ़ती है। जो स्त्री नियमित पीपल की पूजा करती है उनका सौभाग्य बढ़ता है। शनिवार के दिन अगर अमावस्या तिथि हो तब सरसों तेल का दीपक जलाकर काले तिल से पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें और 7 बार परिक्रमा करें तो शनि दोष के कारण प्राप्त होने वाला कष्ट समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पीपल को पूजनीय बनाता है क्योंकि यह एक ऐसा वृक्ष है जो गर्मी में शीतलता और सर्दी में उष्णता प्रदान करने वाला वृक्ष होता है। पीपल से हमेशा प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन का संचार होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि पीपल का हर भाग महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि तना है और छाल है, साथ साथ पत्ते हैं, ये सभी चिकित्सा में काम आते हैं। इनसे गंभीर से गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं।
आपको लगता है कि आपके जीवन में सफलता आपको नहीं मिल रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो परिणाम सामने नहीं आ रहा, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं असफलता हाथ लगती है, उपाय भी अपनाते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है, तो आप एक बार नील लोहिताय कवच को धारण जरूर करें, क्योंकि इससे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो वो है लाभ। आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख हैं, वो दूर करता है नील लोहिताय कवच। नील लोहिताय कवच जो कि एक ऐसा कवच है जिसको धारण करने के बाद महसूस होता है कि आपके जीवन में अब आपको मिल रहा है तो वो है सुख, और आप चाहते हैं सुख की अनुभूति हो, आपको सुख का अनुभव प्राप्त हो, और अपने जीवन में त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, निराशा आपके जीवन में आ चुकी है, तो बस अब ठहर जाइए, नील लोहिताय कवच को धारण कीजिए, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपके जीवन में यश मिलेगा, आपके जीवन में धन मिलेगा, आपके जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, वो दूर करता है नील लोहिताय कवच। अगर आपका व्यापार पड़ा है मंदा या नहीं चल रहा है, उद्योग धंधा छूट गई है नौकरी या नहीं मिल रही है तरक्की, व्यापार में हो रहा है घाटा या हर कार्य में उत्पन्न हो जाती है बाधा, या घर में नहीं हो रही है बरकत, धन आगमन से पूर्व ही खर्च सामने रहता है तैयार, या घर का कोई ना कोई सदस्य सदैव रहता है बीमार, आइए श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम और प्राप्त कीजिए सर्व कष्ट निवारक, सर्व रोग शोक नाशक एवं सर्व फलदायक नील लोहिताय कवच। ये कवच सभी समस्याओं का समाधान है। परमहंस दाती जी महाराज द्वारा सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित 19 हाथ लंबे नीले रंग के इस कवच को धारण करने से घर परिवार करियर और कारोबार से संबंधित सभी समस्याओं का होगा समाधान। शनि भक्तों, तो फिर देर मत कीजिए, नील लोहिताय कवच प्राप्त करने हेतु इन नंबर्स पर संपर्क कीजिए 0995879488, 0971745755, 0509106902004, 0909106902003, 0112665350, 0112665300। तो दर्शकों, देव आदि देव श्री शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देंगे, फिर हाजिर होंगे श्री शनिदेव की कृपा आप सभी पर बरसाने के लिए। ओम शन शनेश्वराय नमः।